Hey guys, welcome back. मैं हूँ विक. सो अगर आप 2024 में न्यूजीलैंड आ रहे हो या आने का सोच रहे हो तो एक चीज माइंड में रखना कि यहाँ पे अभी सभी कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो रखा है. और अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे जिससे आप 2024 में पैसे सेव कर सकते हो न्यूजीलैंड में. हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे कि ये ग्रोसरी वो ग्रोसरी, बट या ऐसी कार ले लो वैसी कार ले लो, बट हम बेसिक जो एवरीडे लाइफ स्टफ होता है जिससे आप थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी पैसे बचा सकते हो उसके बारे में डिस्कस. तो पहली चीज़ है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. नाउ ये क्या है, कुछ ऐप्स हैं अगर आप उनका यूज़ करोगे डेली लाइफ में तो आप यहाँ पर काफ़ी पैसे बचा सकते हो. जैसे कि गैस पे. नाउ गैस पे क्या है, ये आपको बताता है कि आपके रीजन में आसपास कहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्ता पेट्रोल मिल रहा है या डीजल मिल रहा है, फ्यूल मिल रहा है बेसिकली. तो उससे अगर आप चेक कर सकते हो कि आपके एरिया के आसपास कहाँ पे सबसे सस्ता तेल मिल रहा है तो आप अपनी जो कार का फ्यूल है वहाँ से फिल करवा सकते हो. डिफरेंस नहीं, कई बार बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, तो मेक श्योर आप ये यूज़ करो ऐप. सेकेंड ऐप है ग्रोसर एनजिप. तो ग्रोसर ऐप क्या होती है, ये आपको सिमिलरली जैसे गैस पे में आपके पेट्रोल प्राइसेस कंपेयर करता है, ये आपके फूड प्राइसेस यानी ग्रोसरी प्राइसेस कंपेयर करता है डिफरेंट सुपरमार्केट्स के. सो आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन सी ग्रोसरी कहाँ पे सस्ती है. तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा है, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो, बिकॉज वेजिटेबल्स यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव है आज की डेट में. और अगर आपको पता होगा कौन सी सुपरमार्केट में आपको सस्ती मिलेगी कौन सी चीज़, तो आप डायरेक्टली वहाँ जाके शॉप कर सकते हो. इन दोनों ऐप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो. और जब आप न्यूजीलैंड आ रहे हो तो मेक श्योर आप ये डाउनलोड कर लो, बिकॉज आपके फ्यूल प्राइसेस एंड ग्रोसरी आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स जो आप एवरीडे लाइफ में स्पेंड करोगे और जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि यहाँ पे बहुत महंगाई है. दूसरी चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है आपके पैसे बचाने में वो है स्नैपर या कोई भी बस कार्ड. जैसे कि अगर आप वेलिंगटन में हो तो यहाँ पे स्नैपर यूज़ होता है. एज़ कम्पेयर टू कैश आपके जो फेयर के प्राइसेस हैं ऑलमोस्ट हाफ हो जाते हैं. और अगर आप ऑफ पीक टाइम में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि रश टाइम नहीं है, ऑफिस टाइम नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 टू 5 के बीच में ट्रैवल कर रहे हो या 7:30 या 6:30 के बाद ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ऑफ पीक टाइम फेयर पड़ता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हाफ प्राइस होता है एज़ कम्पेयर टू द पीक टाइम्स. और कैश से तो ये हमेशा चीप पड़ता है, तो मेक श्योर आप जहाँ भी हो वहाँ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कार्ड आता है वो यूज़ करो. ये डिफरेंट है ऑकलैंड में एंड वेलिंगटन में. वेलिंगटन में स्नैपर यूज़ होता है जो कि आपको किसी भी डेयरी स्टोर या कन्वीनियंस स्टोर से मिल जाएगा और आप ये ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हो. तो ये काफ़ी आपको कॉस्ट सेव करेगा अगर आप बस से ट्रेवल करने वाले हो. एक और चीज़ ये आपकी बचाएगा वो है पार्किंग फीस. अगर आप सिटी जा रहे हो और आप डेली ट्रैवल करोगे कार से, पार्किंग्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. पहले तो आपको अगर आप ढूंढ रहे हो पब्लिक एरिया में पार्किंग, इट्स वेरी हार्ड टू गेट वन बिकॉज वो बहुत जल्दी फुल हो जाती है. और अगर आप जो पार्किंग सेंटर्स है जो वो वहाँ पे अगर आप उनकी पार्किंग लेते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. फिर भी उनके प्लान्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको चेकआउट करने हैं. बट अगर आप सिटी जा रहे हो और क्लोज बाय हो, प्रेफर करो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो या बसेज यूज़ करो, क्योंकि उससे आपकी काफ़ी कॉस्ट बच जाएगी. घर पे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे, इंटरनेट यूज़ करोगे, तो बेटर है आप ये दोनों चीज़ बंडल डील में लो इंस्टेड ऑफ कि सेपरेट डिफरेंट कंपनीज से लो. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब आप ये बंडल डील लेते हो तो आपको इधर कुछ महीने की इलेक्ट्रिसिटी या कुछ महीने का इंटरनेट फ्री मिल जाता है. बेस्ट डील मिलती है जब आप ज्वाइन करते हो दोनों को एज अ बंडल डील. एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको 6 मंथ या 1 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में दे देती है. और अगर आपको लगता है कि ओवर टाइम कोई और कंपनी आ गई जो बेटर बंडल डील दे रही है तो देन आप स्विच कर सकते हो. उसके लिए जो बेस्ट वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो. अगला है लॉयल्टी कार्ड्स. नाउ ये क्या है, यहाँ पे जितनी भी सुपरमार्केट्स हैं जैसे पैक एंड सेव है, न्यू वर्ल्ड है, काउंटडाउन है, इनके अपने सेपरेट लॉयल्टी प्रोग्राम चलते हैं जो कि इनका आप कार्ड ले सकते हो. सो डिफरेंट प्लान्स होते हैं उसमें. अगर आप जैसे सपोज परचेज कर रहे हो कुछ तो कुछ पॉइंट्स आपको उस कार्ड में मिल जाते हैं. काउंटडाउन का एक आता है जो एक्सक्लूसिव डील्स लगाते हैं जिनके पास वो कार्ड होता है,
तो अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज $5 की है, कभी कभी आपको काउंटडाउन में वो उस कार्ड की वजह से सस्ती पड़ जाती है। अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा तो आपको वही चीज़ थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगी। सिमिलरली अगर पैक एंड सेव की बात करें तो आपके कार्ड में पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। न्यू वर्ल्ड की बात करें तो पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं, और जब वो पॉइंट एक सर्टन उस पर पहुँचते हैं तो आप वो क्लेम कर सकते हो, जिससे भी आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी सेव हो जाती है। अगली है फ्री मेंबरशिप। अब आप बोल रहे हो फ्री क्या होता है भाई? नहीं, तो जैसे कुछ जगह हैं जैसे H&M है, या आपको शॉपिंग करनी है, कई कपड़े लेने हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो रिटेलर हैं वो एक फ्री मेंबरशिप ऑफर करते हैं। अगर आप वो मेंबरशिप लेते हो उसके लिए आपको पे नहीं करना है, जस्ट आपको उनके साथ साइन अप करना है। तो जब भी आप परचेज करोगे तो आप उस मेंबरशिप के अंडर कर सकते हो, एंड वो आपके पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं उसमें। कुछ आपको जो ईमेल्स आती हैं या टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं फ्रॉम दोज रिटेलर्स की जो लेटेस्ट ऑफर क्या चल रहा है, तो जब बेस्ट डिस्काउंट होता है चीज़ों पे आप तब वो चीज़ें ले सकते हो। और सबसे पहले बिकॉज आप साइन अप कर रखा है, आपने मेंबरशिप ले रखी है, तो आप उसमें आपको सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि आप अगर आप शॉपिंग करने वाले हो देन आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपके वो क्या डिस्काउंट आपको मिलने वाला है फ्यूचर में, तो आप तब तक वेट कर सकते हो उन चीज़ों को लेने के लिए। जो चीज़ है वो आपको सुनने में बहुत छोटी लगेगी, बट न्यूजीलैंड में इतने लोग इस पर इतना पैसा खर्चते हैं कि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये है कॉफ़ी कार्ड्स, और या काइंड ऑफ अगेन लॉयल्टी कार्ड्स, जहाँ से आप कॉफ़ी लेते हो। अगर आप अपनी फेवरेट कॉफ़ी किसी एक जगह से लेते हो तो मोस्ट ऑफ द जो कार्ड्स होते हैं या कॉफ़ी प्लेसेस होते हैं वो आपको कार्ड देंगे, जिसपे क्या होता है कि 5 कॉफ़ी के बाद 1 कॉफ़ी फ्री होती है, या 6 कॉफ़ी के बाद 1 कॉफ़ी फ्री होती है, या कुछ कॉफ़ीज़ के बाद कुछ आपको मफिन्स वगैरह या 1 कॉफ़ी फ्री मिलती है। तो अब आप सोच रहे होंगे यार ये कॉफ़ी से इतना क्या बचेगा, बट अगर आप इसकी कैलकुलेशन करो तो ये बहुत ही हाई नंबर जाता है। तो अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हो या कॉफ़ी आप पीते हो कहीं स्पेसिफिक जगह से, तो बेटर है आप उनका कार्ड ले लो और एवरी टाइम यू बाय अ कॉफ़ी उस पर स्टैंप लगवा लो, ताकि आप जब 5th या 6th कॉफ़ी लोगे तो वो आपको फ्री मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली ये टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी छोटी लगती है सुनने में, बट आप अगर इनकी कैलकुलेशन करोगे एवरी वीक एवरी मंथ यहाँ पे, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो अगर आप इन सब छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हो न्यूजीलैंड में, स्पेशली अगर आप न्यू हो, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास इनकम के इतने सोर्स नहीं हैं। तो मेक श्योर आप इनको यूज़ करो अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो 2024 में, और अगर आपका कोई फ्रेंड आ रहा है, रिलेटिव आ रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।